अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आज जो कोड मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो 329 है। अगर आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे और बताई गई इंस्ट्रक्शंस पर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप पेपर में अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले पेपर पैटर्न आपको बता देती हूँ। आपको जो कुल नंबर होते हैं वो 100 होते हैं, 40 नंबर लेना आपको लाजमी होते हैं। अगर आप 40 से कम नंबर लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। एक बात जाननी जो बहुत अहम है कि आपने अपनी असाइनमेंट ज़रूर जमा करानी है। अगर आप अपनी असाइनमेंट जमा नहीं कराएंगे तो फिर आपको पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्रेंड्स, पेपर में आपके कुल 8 सवाल होते हैं जिनमें से 5 के जवाब देना आपको लाजमी होते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त हासिल हो सकें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपनी बुक को पढ़ लेना है 3 से 4 दफ़ा, उसे नज़रअंदाज नहीं करना। क्वेश्चन बताने का मकसद ये नहीं है कि आप बुक को नज़रअंदाज कर दें। आपने बुक को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद अपनी असाइनमेंट को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना, असाइनमेंट को अच्छे से याद करना है क्योंकि आपको 40% पेपर आपकी असाइनमेंट के अंदर से आता है। इसके अलावा आपने जो क्वेश्चन मैंने यहाँ दिखा दिए हैं आपको जो आपके असाइनमेंट में होंगे उनके हेडिंग्स बना लें। क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आएगा आपने 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है वो सबसे पहले अटैम्प्ट करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखें। पेपर प्रेजेंटेशन आपकी जितनी अच्छी होगी आपका ट्यूटर आपको उतने अच्छे मार्क्स देगा। ब्लू पेन ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करें या अगर आप ब्लैक का इस्तेमाल करें तो ब्लैक पॉइंटर और ब्लू पेन पेन का या पेंसिल का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, जो टाइम आपको दिया गया है उसमें आप अपने तमाम क्वेश्चन यानी 5 के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं क्योंकि इस तरह आपके 20 मार्क्स ज़ाया हो जाएंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें वो आपका क्वेश्चन कट आउट हो जाता है, उसके आपको कोई नंबर नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो हम वीडियोस लेके आ रहे हैं हमारा मकसद आपकी रहनुमाई करना है ताकि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके जहाँ से आपको आपकी रहनुमाई हो सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी तमाम वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट के ज़रिए अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।